भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी के मार्गदर्शन में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती के निमित्त भिवंडी शहर में कोविड 19 वैक्सीनेशन टीकाकरण सेंटरों में टीका ले रहे जनताओं को सेवाभावी कार्य कर रहे हैं। भिवंडी कामतगढ़ स्कूल नंबर 75 में कोविड 19 वैक्सीनेशन टीकाकरण सेंटर में भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण मंडल के अध्यक्ष वासन राजेंद्र के नेतृत्व में टीका ले रहे नागरिकों को पानी, बिस्कुट और जूस दिया जा रहा है। उसी तरह भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संतोष शेट्टी के मार्गदर्शन में सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के कार्यालय और बूथ प्रमुख और शक्ति प्रमुख के पदाधिकारियों के ऑफिसों में ज्ञान योगी परिवर्तन के प्रणेता, सामाजिक समानता के महानायक, प्रज्ञा सूर्य महामानव, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विनम्र अभिवादन किए हैं। उसी तरह भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कोविड 19 वैक्सीनेशन टीकाकरण सेंटर में किया जा रहा है सेवाभावी कार्य को देखने के लिए भिवंडी के पश्चिम के विधायक महेश चोगले, हनुमान चौधरी, श्यामजी अग्रवाल, नीलेश चौधरी, विशाल पाटारे, कोंका मल्लेशम, मोहन कोंडा, डॉक्टर चंदन राज मल्लैया, के किशन कल्याण, अंबादास गडगी, राजू कटकम, राजेश भानुशाली, नंदन गुप्ता व उपल नागेश व आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस सेवाभावी कार्य किया जा रहा है भिवंडी भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण मंडल के अध्यक्ष वासन राजेंद्र, विशाल पाटारे, किशन कल्याण से साई नमोनियम न्यूज ने उनसे बातचीत की है। भारत रत्न श्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के निमित्त पर हमारा पूरा भिवंडी शहर में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संतोष चट्टी जी के आदेश के अनुसार जो हमारा जो उधर जो प्रदेश आया है उन्होंने कहा है कि हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के निमित्त सब जगह कार्यक्रम किया जाए। उसी तरह लसीकरण जो वैक्सीन सेंटर्स है उधर के बहुत से गरीब बड़े बूढ़े बहुत लोग आ रहे हैं, उन लोगों को उधर गर्मी में एक दो घंटा झेलना पड़ रहा है, उनके लिए सेवाओं के लिए 9 से शाम को 5 तक सेवा करने को सबको आदेश दिया है। उसी तरह हम लोग भिवंडी हमारा दक्षिण मंडल में 75 कारपोरेशन का स्कूल के उसमें विभाग में हम लोग दक्षिण मंडल की ओर से और उसी तरह अपना नया बस्ती में उधर भी एक वैक्सीन का सेंटर है। दोनों जगह हम लोग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बिस्किट, जूस, पानी, जो भी सामग्री जो पब्लिक को लग रहा है हम लोग सेवाएँ कर रहे हैं। सर, आपने केंद्र के अंदर दौरा भी किया होगा, किस तरह से टीकाकरण दिया जा रहा है उसके बारे में जानकारी है? हम लोग देखा गया एकदम अच्छी तरह सोशल डिस्टेंस की तरह उन लोग जो इंजेक्शन देते हैं वन टाइम यूज़, मतलब उन लोग दोबारा देना चाहते हो वो टूट जाता है, मतलब एकदम अच्छी सी सुविधा है। और उनको और जो पब्लिक जो ज़्यादा हो रहा है फिर भी उन लोग को कंट्रोल करके एकदम सिस्टम से दिया जा रहा है। कॉरपोरेशन को हम लोग भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल से उनको शुभेच्छा देता हूँ। और उसी तरह हम लोग पूरा हमारा दक्षिण मंडल में जितने भी शक्ति केंद्र है 16 जगह पूरा बूथ प्रमुख लोग को लेके सभी जगह बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूजा का ये कर रहे हैं। आरोग्य मंत्री का आरोप है कि वैक्सीन की कमी है महाराष्ट्र के अंदर, क्या कहना चाहिए? कोरोना सेकंड टर्म आज अचानक बढ़ने के वजह से थोड़ा एक्सपोर्ट का रोका गया है, अभी थोड़ा कम होना बंद हो जाएगा और जो रेमडेसिविर जो कम हुआ था वो अभी मिल जाएगा, क्योंकि कॉरपोरेशन ने कर अपना सरकार ने किया बोल दिया कि अभी मेडिकल में नहीं मिलेगा, जिधर पेशेंट रहेगा उनको ही मिला जाएगा। उस तरह अभी 7-8 दिन में मिलने वाला है। और उसी तरह बहुत जब जन बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना रहा, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद आपको इम्यूनिटी बढ़ने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन बढ़ता है, 10 से 15 दिन आपको सतर्क रहना है, उसके बाद अगर कोरोना वाले टच भी होते हैं ना उतना आपको इफेक्ट नहीं होगा। इसके लिए वैक्सीन लो मत लो, सोशल डिस्टेंस, मास्क और सतर्क रहना जरूरी है। गए साल इसी समय पे कोरोना का लहर बढ़ा, फिर इस वर्ष भी इस बार इसी समय बढ़ रहा है, क्या कारण होगा सर? पहले तो बोलते तो गर्मी वैक्सीन गर्मी से कोविड दूर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा नहीं है। गए टाइम भी गर्मी में चालू हुआ, अभी भी गर्मी में चालू हुआ, यानी इसने रूप दूसरा लिया है। अभी साइंटिस्ट लोग उनका जानकारी लेंगे, उतना तो हमको पता नहीं है, फिर भी आप लोग सतर्क रहे और सेफ रहिए। कल रात में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक कड़क निर्बंधन डिक्लेयर किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने जो निर्णय लिया ठीक है, लेकिन इसमें क्या मिडिल क्लास वाला छोटा गरीब है उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गए टाइम हम लोग तो थोड़ा ध्यान रखा लेकिन बहुत से जन को तकलीफ हुआ। इसके लिए हमारे फडणवीस जी भी और उनका भी मांगे है कि हमारे मिडिल क्लास और छोटे जो गरीब वर्ग रहते हैं उनका ध्यान रख के लॉकडाउन कीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल 1 महीने के लिए फ्री में दिया जाएगा, राशन कार्ड धारक लोग है उसमें क्या कहेंगे? वो अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा मिडिल क्लास के हिसाब से मैं यही चाहता हूँ हमारे मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ सुविधा नहीं दिया जाता है, खाली मिडिल क्लास कभी भी ये अपना
बीच में उन लोग का ही परिस्थिति खराब हो जाती है। काले मैं सरकार से इससे ही विनती करता हूँ, मिडिल क्लास लोग को ऊपर भी खास कर ध्यान रखें।